चाव नहीं नहीं करो, अच्छे बच्चे होते हैं जो नहाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स कैसे हैं आप? आज है सुबह के 11 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं आज सोलंग वैली में। आज हम जा रहे हैं अंजनी महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं आज हम। और रईसा भी रेडी हो गई है, हम भी रेडी हो रहे हैं और साथ में दीदी और निशांत भी जा रहे हैं, वो भी तैयार हो रहे हैं, तो अभी निकलेंगे। और तो मौसम का कह सकते हैं कि मौसम ज़्यादा अच्छा नहीं है आज। और वैसे भी आज हम फिर अंजनी महादेव के दर्शन करके उसके बाद निकलेंगे गुंतर में, बुआ जी का घर है वहाँ पे जाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे, अगर टाइम लगा तो घर के लिए निकल जाएंगे। बोलो पापा, फिर से बोलो, जोर से बोलो पापा। पापा। और मौसम गाइस चेक कर लो बाहर, तो मौसम कुछ ऐसा है बेहाल करने वाला, क्योंकि आज बादल है तो मौसम आज जरा अच्छा नहीं है। पर फिर भी आज डिसाइड हुआ है जाना है अंजलि महादेव, तो जाएंगे फिर। पापा हाय करो, फ्लाइंग किस, नमस्ते। अभी है हम सोलंग वैली वाले रास्ते पे। सोलंग वैली और लाहौल स्पीति वाला रोड सेम ही है, तो जिस वाले रोड पे हम पिछले कर गए थे उसी वाले रोड पे हम आ जा रहे हैं अंजनी महादेव के लिए। सोलंग वैली से है नहीं कोई अभी, ये पता नहीं, वहाँ पे जाके पूछ के चले जाएंगे हम। फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं सोलंग वैली में और यहाँ का व्यू ऐसा है, मेरे पीछे चल कर सकते हो। गुड़िया सोई है, फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं सोलंग वैली में पहुंचे हैं और अभी हम जा रहे हैं अंजनी महादेव, तो वहाँ पे ट्रैकिंग है 1 किलोमीटर की और रोड ही है, आगे गाड़ी जा नहीं सकती हमारी क्योंकि डाउन है गाड़ी बहुत, और इसके लिए तो भाई 4x4 गाड़ी चाहिए। अब ये तो तभी संभव हो सकता है जब आप लोग हमारा साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बाकी गाइस अभी देखो हम यहाँ पे पहुँचे और थोड़ा थोड़ा सनराइज़ भी होना शुरू हो गया। कई है गाड़ियाँ यहाँ से, पर मेरे को लगता है जिप्सी टाइप गाड़ियाँ ही गई होंगी। डिम्पल और दीदी आ रहे हैं पीछे, रईसा तो सो चुकी है और नींद में पूरी एकदम। जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं वो तो भाई मजे ले रहे हैं, कोई स्नो स्कूटर पे जा रहे हैं तो कोई घुड़सवारी कर रहे हैं, भाई हम तो पहाड़ी लोग हैं, हम तो ऐसे ही चढ़ जाते हैं कहीं भी। तो फ्रेंड्स अभी रईसा भी उठ गई है, कहाँ पहुँच गए हम? पापा गुड मॉर्निंग। देखो स्नो, कहाँ है स्नो, कहाँ आ गया हम। चलो घूमी करने आए, तो अभी उठी, अभी इसका मूड ठीक नहीं है।
ऐसा नींद से उठी है ना, तो इसका फेस के एक्सप्रेशन देखो कैसे बना रही है, एकदम सीरियस वाले। अभी तो 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग थी, इसमें ही थक गई। तो फिर जो जैसे मणिमहेश है और चूड़धार है, वहाँ पे जाने की जब तू बात करती है तो वहाँ पे कैसे चलेगी? रुक रुक के एक एक महीना लग जाएगा तब इस तरह से ट्रिप कवर करने को। फ्रेंड आगे एंट्री तो मनाए, लेकिन जो शिवलिंग था देखो गाइस यहाँ पे कितना बर्फ ही बर्फ जमा हुआ है। और गाइस वही है कि जैसे ही हम पहुँचे तो ऊपर से ना बर्फ गिरा, तो मतलब ऐसा लगा कि भोले बाबा ने हमें प्रसाद दे दिया कि आगे तो जा नहीं सकते तो ये लो प्रसाद। बट यहाँ का नाम अंजनी महादेव इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी की माता अंजनी ने भोले शंकर के लिए तपस्या की थी, तो उस वजह से यहाँ का नाम अंजनी महादेव पड़ा। ऊपर जो झरना है ना गाइस, वहाँ ऊपर से बर्फ गिर रही है। अभी गिरी, पहले पिघल के गिरी थी तो बहुत ज़्यादा गिरी थी, तो यहाँ जहाँ पे अभी हम खड़े हैं यहाँ तक, तो यहाँ तक बर्फ पहुँची थी, मतलब बर्फ के जो भी टुकड़े थे यहाँ तक पहुँचे थे। तो अभी थोड़ी थोड़ी देर बाद गिरी है, तो राइस साहब उनको इंजॉय करिए जैसे ऊपर से आते हैं बर्फ के टुकड़े, तो ये भी उनको देख के खुश हो रही है। तो देखो फेस में भी उठा के खाना भी स्टार्ट कर दिए, इतनी ठंड में भी इसको ठंड नहीं लग रही है, सच में एंजॉय कर रही है बहुत ज़्यादा। एक्चुअली ऊपर से जो बर्फ गिरी है तो ये सोच रही है पता नहीं आइसक्रीम गिर रही है, उसको भी एंजॉय कर रही है। फ्रेंड इतनी शांति है यहाँ पे कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा, मन कर रहा है कि यहीं पे बैठे रहना पूरा दिन भर। फ्रेंड अभी पीछे जिप लाइनिंग हो रही है, हौसले आ गए, वैसे तो हौसले हैं नहीं इसमें इतने। बाय बाय।